हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीनीटोकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत जेरा मेरेल से होती है, जो अपने बच्चों को अपना परिचय देते हुए उन्हें गले लगाने के बाद अपने सारे बच्चों से मिलवाता है और फिर अपने सारे बच्चों के साथ खाना खाने के बाद वो कुफून और हनीवा के कमरों को दिखाकर उन दोनों को आराम करने के लिए वहीं पे छोड़ जाता है और फिर हनीवा और कुफून एक ही कमरे में आकर बातचीत करते हुए सो जाते हैं। और इधर रानी केन की चहेती कोरा को टमेक्टी जून एक टेंट में लाकर धकेल कर छोड़ देता है और जाते हुए बूढ़ से यही कहता है कि तुम्हें इसके ऊपर ऐसी निगरानी रखनी है कि जैसे तुम्हारी पूरी लाइफ इसी पे डिपेंड हो। और इधर टमेक्टी जून प्रिंसेस मागरा के पास आकर उससे यही कहता है कि तुमने मुझे चेतावनी देते हुए कहा था कि जल्दी या बाद में रानी केन को समर्थन देने का खामियाजा तुम्हें एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा, और वो चेतावनी इतने दिनों बाद आज जाके सच साबित हुई है। मेरे सभी सैनिकों ने अपने माता पिता या अपने परिवार को रानी केन की वजह से खो दिया है और एक ना एक दिन उन्हें पता चलने पे उनमें से कोई ना कोई विद्रोह या अपना सर उठा के हमारे खिलाफ उन सभी सैनिकों का नेता बन के खड़ा हो जाएगा। जिस पर टमेटी जून दो परिणाम के बारे में समझाते हुए कहता है कि वो अपना सिंहासन त्याग करके तुम्हें यहाँ का क्वीन बना दे या दूसरा यहाँ पे कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो यहाँ से निकल ना पाए। जिस पर मागरा उससे यही कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कोशिश कर लो वो अपना सिंहासन नहीं छोड़ने वाली। जिस पर टमेटी जून उससे यही कहता है कि मेरे कहने से तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन तुम प्रयास करके ये देख सकती हो। और इधर रानी केन अपना पैतरा चलते हुए कोरा की वजह से बूट्स को भड़काते हुए उसे अपने पक्ष में कर लेती है और वो उसे ये भी कहती है कि अगर तुम इस काम में सफल हुए तो रानी केन तुम्हें अपना लेफ्टिनेंट बना देगी। और इधर प्रिंसेस मागरा एक मैसेज में लिखकर अपनी सारी बातें रानी केन को बता देती है, जिस पर रानी केन उससे यही कहती है कि तुम मेरे पास आकर ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे लिए अपना सिंहासन छोड़ दूंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जिस पर मागरा उससे यही कहती है कि तुम इस बात पे राजी हो या ना हो ये तुम्हारी मर्जी है। जिस पर रानी केन उससे यही कहती है कि तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि ये मर्जी मेरी बिल्कुल नहीं है और ये एक ऐसी चीज नहीं है जिस पे हम दोनों सौदेबाजी कर सकते हैं, और चाहे तुम मेरी जान बचाने के लिए कह रही हो या फिर अपनी दबी हुई हसरत को पूरा करना चाहती हो, इस चीज का फैसला सिर्फ ऊपर वाला ही करेगा कि यहाँ का राजा और रानी कौन बनेगा। अगर ये तुम सच में चाहती हो तो एक चाकू लेकर मुझे मार डाल, तब शायद तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाए। जिस पर मागरा उसे वार्निंग देते हुए उसे यही कहती है कि अब ये पूरी तरह से तुम्हारे पे निर्भर है कि तुम अपना नसीब कैसे लिखना चाहती हो, और उसे झटक कर वो वहाँ से चली जाती है। और इधर कुफून और हनीवा के उठ जाने के बाद जरा मेरे लाइब्रेरी और अपनी जगहों को दिखाते हुए सारी चीजें बताता है। और इसी सफर के दौरान कुफून उससे ये भी पूछता है कि क्या तुम्हें हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आई कि तुम्हारे दोनों बच्चे कैसे हैं। जिस पर जेरा मेरेल उससे यही कहता है कि तुम्हें पूरा हक है मुझ पे नाराज होने का, और मागरा के मौत के बारे में जानने के बाद भी उसका कुछ खास रिएक्शन नहीं होता है। और जब इसी बात को वो अपनी बहन से पूछता है तो हनीवा उससे यही कहती है कि उसे मागरा की मौत का अफसोस है लेकिन वो दिखा नहीं रहा है। और फिर जेरा मेरेल वहाँ पे भी ले जाता है जहाँ से लाइट पैदा की जा रही है। और जेरा मेरेल और हनीवा के जाने के बाद जब कुफून उसके बड़े बेटे से पूछता है कि क्या हम लोग सच में भगवान हैं, जिस पर वो उससे यही कहता है कि हम लोग कोई भगवान नहीं है लेकिन हम लोग एक नई नस्ल है। और वो ये भी कहता है कि और हम लोग उन अंधे लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा ही अच्छी नस्ल है क्योंकि वो लोग अपनी जिंदगी एक जानवर की तरह बिताते हैं। जिस पर कुफून उससे गुस्सा होते हुए यही कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन मेरे असली पिता से जरूर मिलोगे और तब ये तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और इधर हम पेरिस और बाबा बास को एक कबीले के सरदार से बातचीत करते हुए देखते हैं, जहां वो लोग बोलाइन के इलाज के लिए उनसे मदद मांग रहे होते हैं। लेकिन कबीले वाले विच फाइंडर के बारे में जानने के बाद वो लोग उससे यही कहते हैं कि हम बोलाइन की तभी मदद कर सकते हैं जब तुम लोग इसे छोड़कर यहाँ से जाओगे। और पेरिस और बाबा बॉस को ना चाहते हुए भी बोलाइन से विदा लेना पड़ता है। और फिर पेरिस और बाबा बॉस एक एक करके बोलाइन से विदा लेते हैं और बाबा बॉस जाते हुए उससे यही कहता है कि तुम मेरी सबसे बहादुर लायन हो। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इधर जब कुफून को नींद नहीं आ रही होती है तो अपने रूम से बाहर निकलकर किसी की परछाई का पीछा करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इडो बॉस का कर्नल अपने वादे के मुताबिक बाबा बॉस के बच्चों को लेने के लिए आया है। और धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद वो उन लोगों की बातें छुप कर सुनने लगता है। और कर्नल उसके पास आकर उससे यही पूछता है कि तुम्हें पूरा भरोसा है कि ये बाबा बॉस के बच्चे हैं। जिस पर जरा मरेल उससे यही कहता है कि मैं तुम्हें हनीवा उसकी लड़की को तुम्हें दूंगा और कुफून हमारे पास ही रहेगा। और जब उसके आदमी जरा मरेल को घेरने लगते हैं तो जरा मरेल उससे यही कहता है कि तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है
हैं कि मेरे बच्चे देख सकते हैं और यकीन मानो मेरे बच्चे तुम्हारे सैनिकों पे भारी ही पड़ेंगे। और इधर उसका बड़ा भाई कोपून को मार के बेहोश कर देता है और जब हनीवा आईना देख रही होती है तो वो उसे पीछे से पकड़कर ले जाता है। और इधर पेरिस अपने सपने से जागते हुए बाबा बास को ये बता देती कि उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। और इधर जब कोपून होश में आता है तो वो एक कमरे में बंद होता है और जहाँ उसकी बहन को लेटाकर कर्नल को सौंप दिया जाता है और कर्नल अपनी गाड़ी में बांधकर उसे ले जाता है। और अपने बेटे से पूछने पर उसे पता चलता है कि कोपून उनके बारे में बहुत कुछ जान चुका है। और इधर जब टमेक्टी जून रानी केन से मिलने के लिए आता है तो वो उसे मागरा का मैसेज दे देती है और इसी वजह से टमेक्टी जून उसे पढ़ने लगता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए बोट्स उसे चाकू मार देता है। और जब वो रानी केन को उठाता है तो उसके अंदर पूरा चाकू घोप कर उसे मार डालती है। और उसके मरने के बाद वो उसे यही कहती है कि अपनी सेवा देने के लिए शुक्रिया। और जब मागरा उसकी मौत से घबरा जाती है तो रानी केन उससे यही कहती है कि टमेटी जून ने अपनी जिंदगी पुराने रीति रिवाज के चलते खत्म कर ली है और वो अंत तक एक वफादार नौकर था। और वो मागरा को समझाते हुए यही कहती है कि अब हम लोग सैनिकों के पास जाकर एक साथ मिलकर वही बताएंगे जो मैंने तय किया है और हम दोनों मिलकर इस टाइम ऑफ क्राइसिस में उन लोगों का नेतृत्व करेंगे। और वो उससे ये भी कहती है कि ये जिंदगी में पहली बार होगा जब मैं तुम्हारे परामर्श से इस काउंसिल को चलाऊंगी, इसलिए अब तुम डरना बंद करो, मैं यहीं पे हूँ और अब बहुत कुछ बदलने वाला है। और इधर जरा मरेल कोपून को आकर यही बताता है कि अगर मैं हनीवा को ट्रेवांटियस के हाथों नहीं देता तो वो मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर देते और हम ट्रेवांटियस और उसकी आर्मी की मदद से एक न एक दिन रानी केन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और इस चीज के लिए बहुत समय लगने वाला है और इसीलिए उस मकसद को पाने के लिए हमें किसी न किसी की तो बलिदानी देनी पड़ेगी। और जब जेरा मरेल उसे बेटा कह के उसे गले लगाने के लिए जाता है तो कोपून उसे सिर से मारकर उसका खून निकालते हुए उससे यही कहता है कि तुम मेरे बाप नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा बेटा हूँ। और वो अपने आदमी को एक बंदूक देकर उसे बाहर ले जाकर मारने को कहता है और जैसे ही वो लोग उसे वहाँ पे ले जाकर उसके सर पे बंदूक को तान कर उसे मारने वाले होते हैं, बाबा बास वहाँ पे पहुंचकर उन दोनों को मार डालता है। और कोपून की मदद से वो लोग अंदर जाते हुए बाबा बास सभी को मारने लगता है और फिर कोपून बाबा बास को हाथों पे इशारा करके उसे ये बताता है कि वो नीचे जाकर जनरेटर को पूरी तरह से बंद कर देगा जिसकी वजह से आप अंधेरे में उसे अच्छे से मार पाएंगे। और फिर बाबा बास उसका नाम पुकारते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे वो छुपा हुआ है। और उस लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद वो उससे यही कहता है कि यही है तुम्हारी दुनिया जहाँ पर ना ठीक से हवा है ना पेड़ है और सिर्फ सड़ने की बदबू आती है। तुम्हारी सारी बातें तुम्हारा सारा ज्ञान सिर्फ एक छलावा है और तुम एक पागल के सिवा और कुछ नहीं हो। और वो उसे लड़काते हुए यही कहता है कि बाहर आकर मर्दों की तरह लड़ो। और जेरा मरेल उससे बताता है कि ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से ही इडो बॉस ने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया है। और इस बात को जानने के बाद बाबा बॉस और गुस्सा हो जाता है और फिर जेरा मरेल उसे धोखा देते हुए उसे मारने लगता है। और फिर बाबा बॉस उससे बचते हुए किताबों की मदद से जब उसे मारने लगता है तो वो उसे अपने चाकू से पैर में मारकर घुसा देता है और वो फिर से छुप जाता है। और जब बाबा बॉस चाकू निकालकर उसे ढूंढने लगता है तो वो उसे गोली मार देता है और ना चाहते हुए भी फिर से बाबा बॉस को उससे छिपना पड़ता है। और इधर कोपून उस जगह पे पहुंचकर लाइट को बंद करने लगता है और लाइट बंद हो जाने पे बाबा बॉस उससे यही कहता है कि तुम्हारा मेरी दुनिया में स्वागत है। और इधर जब उसका बेटा मशीन गन लेकर बाबा बॉस को मारने के लिए आता है तो कोपून उसे चेचट करके उसका काम तमाम कर देता है और फिर बाबा बॉस अपनी तरफ देखने को कहकर उसकी आंखें फोड़ डालता है। और फिर हम इधर रानी केन को अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए देखते हैं और फिर वो टमेक्टी जून की मौत की खबर देते हुए उन लोगों से यही कहती है कि टमेक्टी जून एक महान सैनिक था और अपनी रानी और अपने राज और उसके देवताओं को और स्वयं को
विफल मानते हुए एक सैनिक की मौत मारने के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था जिसे हम लोग मिलकर पुराने तौर तरीकों से उसे इस दुनिया से विदा करना चाहिए, क्योंकि उसकी मौत एक युग का अंत है और हम दोनों को इस जिम्मेदारी का बार उठाते हुए उसे पूरा करना होगा। और फिर हम इधर बाबा बॉस और उसके बेटे को वहाँ से निकलते हुए देखते हैं, जहाँ रास्ते में पेरिस उनका इंतजार कर रही होती है। और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और उस घर को जलाते हुए टमेटी जून को उसी घर में उसे जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। और रानी केन और प्रिंसेस मागरा अपनी सेना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर पहाड़ी पे खड़े होकर बाबा बॉस पेरिस से यही पूछता है कि क्या हनीवा यहाँ पे है, जिस पर पेरिस उसे बताती है कि वो यहीं पे है। और फिर ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इसके नेक्स्ट सीजन को देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।